Hello and welcome, students. So now we continue our next part of our matrices. Is the last part. Okay. So कल कहाँ तक आ गए थे तुम? उसके आगे part continue करेंगे तो. I think कल properties हो गई थी अपने ना. Properties चल रहे थे. Right? ठीक है. तो इसमें पहली property होगी कि तो first property में add करूँगा. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज, इट इज नॉट कॉमुटेटिव. कल अपने देखे यहाँ पे कि अगर से ए बी का ऑर्डर अलग है और बी ए का ऑर्डर अलग है तो ए बी निकाल सकते कभी कभी, मगर बी ए नहीं निकलता. तो इसलिए दोनों हमेशा ऑलवेज इक्वल रहेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते. फर्स्ट कंडीशन. देन द सेकंड थिंग इज दैट, इन दैट वन इज द सेकंड थिंग इज दैट दिस इज नथिंग बट इट इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मतलब पहले हमने बीसी का मल्टीप्लिकेशन लिए, उसके बाद ए का लिए क्या, या फिर पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सी से लिए क्या, दोनों का आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा. उसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई करता. कोई मैट्रिक्स ए अगर से बाहर है और दो मैट्रिक्स का सम है तो हम इसको बांट के देंगे. पहले ये मैट्रिक्स को बांट के देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल, फिर इसको सी को बांट के देंगे. तो ये हमने ए को लेफ्ट से बांट के दिए, इसलिए इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ दिस. उसी तरीके से ये जो सी मैट्रिक्स है ए प्लस बी को राइट की तरफ से बांट के दिए, इसको क्या बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. तरीके से मिलेगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी विद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड दैट्स कंप्लीट प्रॉपर्टी सेट विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो दो प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे दोनों एडिशन में भी थे. एडिशन में भी क्या फर्क था, एडिशन में क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है कि एडिशन में ये कॉम्यूटेटिव है तो यहाँ पे क्या है नॉट कॉम्यूटेटिव. मतलब एडिशन में हमने पहले ए प्लस बी निकाले और बी प्लस ए निकाले तो दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा. उसी तरीके से एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव इसमें भी है, एसोसिएटिव इसमें भी है. ठीक है, तो दोनों में दो प्रॉपर्टी सेम है. हम आगे देखेंगे और प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे. ठीक है, तो the next properties is something like to be here. Okay. So fourth property is that fourth property set with the identity property. Identity property मतलब कैसा? ये property को बारे में इस्तेमाल uses. कोई मैट्रिक्स को कैसे I से मल्टीप्लाई करे या फिर I से एक आधे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलती. So this property is set to be the identity property, है ना? It is set to be the identity property is there. Which property is there? It is set to be the identity. अगर से तुम किसका प्रूफ करना है, देखो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसकी एग्जांपल देखो. ये समझो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सभी मैट्रिक्स है. और आई मैट्रिक्स ये अगर से 2 बाय 2 है तो आई भी क्या रहेगा, 2 बाय 2 का मतलब 1 0 0 1. अब अगर से हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू आई, a के प्लेस पे a का मैट्रिक्स और i के प्लेस पे i का मैट्रिक्स 1 0 0 1. नाउ व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन रूल, सबको मालूम है. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे लेते हैं सबको मालूम है. हाउ टू मल्टीप्लाई देन, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, उसी तरीके से सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड कॉलम के साथ. तो पहला काम पहले रो का मल्टीप्लीकेशन पहली कॉलम के साथ. तो 1 into 1 1 प्लस 2 into 0 0, ये हो गया. उसके बाद सेकेंड के साथ 1 into 0 0, सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड के साथ 0 प्लस 2, ये होगा कम्प्लीट. अब हम सेकेंड रो के तरफ जाएंगे, उसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 1 3 प्लस 4 into 0 0. उसके बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into 0 0 प्लस 4 into 1 4. तो लास्टली वी गॉट द आंसर समथिंग लाइक टू बी 1 2 3 एंड देन 4. तो क्या मिला तुमको, ए इंटू आई करने से फिर से वही मैट्रिक्स मिली 1 2 3 4, मतलब क्या मिला, तो ये प्रॉपर्टी है. मतलब क्या मिला, इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू, तो ये प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स को, एनी मैट्रिक्स को, फिर 2 बाय 2 के रहने दो, 3 बाय 3 के रहने दो, कौन सी भी रहने दो,
कोई भी मैट्रिक्स होगा सर अपन आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, 2 by 2 या फिर 3 by 3 का, उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो हमको क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वही मैट्रिक्स बनेगी फिर से, तो वही मल्टीपल मतलब क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी ए इंटू आई या फिर आई इंटू ए, मल्टीप्लाई करने से फिर से वही मैट्रिक्स मिलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा समझे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका आगे भी यूज है, छोटे बच्चों को मालूम है कि कोई अगर से मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करे या फिर 0 से 1 को मल्टीप्लाई करे तो फिर से क्या मिलेगा 0 मैट्रिक्स, ये तो मल्टीप्लिकेशन उसमें तो है, 0 इज अ नल मैट्रिक्स। आज समझो सबको मालूम है कोई मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करे से या फिर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा 0, ये होगी इसकी पांचवी प्रॉपर्टी। नाउ इसकी छठी प्रॉपर्टी क्या है ये देखो, सिक्स प्रॉपर्टी में अगर से हम देखेंगे तो इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स है सच दैट द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 0 देयर इज नीड नॉट इंप्लाई दैट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, सच मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड नॉन जीरो डिवाइजर्स ऑफ 0। मतलब कैसा कि अभी तक अपने को जितना नॉलेज है उसके नॉलेज के हिसाब से क्या कि अगर से ए बी इक्वल टू 0 है, देखो ये प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझना पड़ेगा तुमको, इसमें क्या बोलना चाह रहा प्रॉपर्टी को कि जैसे कि हमको अभी तक ये मालूम है कि दो चीजों का प्रोडक्ट प्रैक्टिस छोड़ दो, दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर से 0 है तो हमको ये मालूम है कि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होगा जब दोनों में से एक 0 या फिर दूसरा 0 या फिर दोनों भी 0 है तो तब उसका प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। मतलब कैसा अगर से ए बी एक 0 है तो इसका मतलब इसमें एक तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा या फिर दोनों इक्वल टू 0 होंगे, दिस फॉर ऐसी कंडीशन है ना, इक्वल टू 0 इफ एनी वन ऑफ देम इज 0, वही बोला कंडीशन क्या है दोनों अगर से दोनों का प्रोडक्ट अगर से 0 है तो इसका मतलब दोनों में से एक 0 है या फिर दोनों 0, मगर मैट्रिक्स के केस में प्रॉपर्टीज में ए बी प्रोडक्ट 0 आएगा कब, अगर से ए नॉट इक्वल टू 0 है और बी नॉट इक्वल टू 0 है तब भी इनका प्रोडक्ट कितना आता 0 आता। इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक ये जितना नॉलेज था हमारा कि दो इसका प्रोडक्ट 0 कब आता जब दोनों में से एक 0 रहता या फिर दोनों 0 रहता, मगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है इनका प्रोडक्ट अभी भी 0 आएगा जबकि दोनों कैसे हैं नॉन 0। तो कैसा उसके एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स के हमने ए इज इक्वल टू एलिमेंट 1 2 3 6 और एक अभी मैट्रिक्स ले लिया ऐसा आएंगे तो ये अगर 1 2 3 6 है तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 -2 -1 और 1 2 -2 -2 -1 और 1, ठीक है राइट। अब देखो ये ए बी कैसा है नॉन जीरो है मतलब जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। बी भी कैसा है जीरो मैट्रिक्स है क्या, नहीं है नॉन जीरो। अब ये दोनों नॉन जीरो है तो अब हम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे ए बी, ठीक है तो इसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। So now both matrices are non-zero matrices. Now if you multiply this A into B, so what happens now here? 1, 2, 3, 6 multiply with 2 minus 2 minus 1 and then 1. Now let us multiply this. How to multiply? We know very well. सबको मालूम है कैसा multiplication लेते हैं। First row, first column, 1 into 2, 2. इसका second के साथ 2 minus 2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into -2 -2 +2, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 6 सेकंड का सेकंड के साथ -6 देन 3 into -2 -6 +6 into 1 6 फाइनली वी गॉट द आंसर 2 में से 2 गया 0 0 0 आया क्या। दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं नॉन जीरो है, ये भी जीरो नहीं है और मैट्रिक्स बी भी जीरो नहीं है तब भी इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा 0 आ रहा। ये इसके खास प्रॉपर्टी है कि जितना अपना नॉलेज है अभी तक के कि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब दोनों में से एक 0 है या फिर दोनों 0 है, मगर यहाँ पे
दोनों नॉन जीरो होने के बाद भी ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो, मतलब दोनों जीरो नहीं है, मगर तब भी उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी कितना आया, कुछ जीरो आया। आया समझ में? यस, टेल मी नाउ इज दैट क्लियर? पॉइंट समझे क्या बोलते, बताना चाह रहे हैं अपन कि यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब भी उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, जीरो है। एक से फर्स्ट प्रॉपर्टी। यस इज दैट क्लियर? आ गया सबके समझ में? वेरी गुड। चलो फिर अगला, अगली प्रॉपर्टी तो ये इम्पोर्टेंट है। चौथी में क्या देखिए अपन ने कि कोई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके या फिर आइडेंटिटी से किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे तो फिर से वही मैट्रिक्स आएंगी, इसलिए उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसी तरीके से पांचवी तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सबको मालूम है कि कोई मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो से किसी एक को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, अगेन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जो सबको मालूम है। छठी प्रॉपर्टी में इम्पोर्टेंट क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, कब, जब दोनों कैसे नॉन जीरो है तब भी उनका प्रोडक्ट कितना है, जीरो है, उसका मैंने प्रूफ बताया तुम्हारे। अब नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक टू बी, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, देखो तभी याद रखो कि यहाँ पे मैट्रिक्स में सेवन पर कि अगर से हमको ए स्क्वायर अगर से पूछा तो ए स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं कि तुम इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दियो 1, 4, 9, 36 ऐसा नहीं, मैट्रिक्स में अगर से हमको ए स्क्वायर अगर से निकालने का है तो ए स्क्वायर कैन बी फाइंड द फॉर्मूला ए इंटू ए, ए और ए का मल्टीप्लीकेशन करके जो मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, ए इंटू ए, ए का मल्टीप्लीकेशन फिर ए के साथ, तब हमको क्या आएगा, ए स्क्वायर। अभी समझो तुमको ए क्यूब पूछ लिया तो ए क्यूब मतलब तुम इसका क्यूब नहीं लेंगे, 8, 8, 27 अरे सब ऐसे लेंगे, ए क्यूब मतलब क्या, पहले ए इंटू ए करेंगे फिर उसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ लेंगे, इस इज द प्रॉपर्टी। ऐसा में ए क्यूब में कैसे लेंगे, पहले शुरू पहले ये दोनों ए का मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद ए स्क्वायर आएगा, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ ए क्यूब। इसी तरीके से डायरेक्ट अगर हमको निकालने का है ए रेस टू 4, ए रेस टू 5, व्हाट एवर मे बी द पावर, सबका निकालने का एक ही मेथड है। ऐसा में मेथड क्या है, यहाँ पे एकदम सिंपल मेथड है कि यदि हमको ए स्क्वायर फाइंड करने का, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ए स्क्वायर, then what is the procedure to find out a square, you have to multiply the matrix a with a. now if you are interested to find out a cube, what is the procedure here, multiply the matrix a into a three times, first we multiply this one, pehle dono ka multiplication a a ka multiplication a square aayega, fir uska multiplication a ke sath, to tumko kya milega a cube ki value, okay, to ye aage samjho property, ye aage samajh mein sakte, aisa tum kehte ki kitna bhi power nikalo सबका निकालने के लिए एक ही मेथड, ए रेस टू 4 भी किसी ने पूछा ए रेस टू 4 कैसे निकालेंगे, तो यही मेथड से निकालेंगे ए रेस टू 4, और ए रेस टू 4 ए इनटू ए इनटू ए इनटू ए, इसी तरीके से ए रेस टू 4 निकालेंगे। बोलो इज दैट क्लियर, आया ऐसे ही टाइम तक? यस, वेरी सिंपल है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल तुम्हारे लिए लगा था, ठीक है, वेरी गुड, जिनको समझ में आया उन सबका अभिनंदन, और जिसको नहीं समझा उनके लिए एग्जाम्पल होता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमको इसमें पूछा, ये एक मैट्रिक्स दे दिया अपने पास ए, और उसने पूछा इसका ए स्क्वायर क्या है, और ए स्क्वायर है दैट मैट्रिक्स, तो अब ये हमको ए स्क्वायर अगर से निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए मतलब ये मैट्रिक्स है, दिस इज 1 2 3 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 6 के साथ सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जो भी आएगा उसका मैं जरा फास्ट करके बताता हूँ, सबको मालूम है मेरे तक, फर्स्ट 2 × 3 6, सेकंड कॉलम के साथ 2, और इसके दोनों कितना 12, उसके बाद 3 × 3 37 18, 3 × 2 6 और 37 36, तो ये होगा 7, ये होगा 14, 21 36 42, ये होगा उसका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालने की मेथड ऐसी। उसी तरीके से ए क्यूब पूछा, तो अब इसको पूछा तुमको ए क्यूब कितना है इसका, इसके आगे पूछा ए स्क्वायर कितना और ए क्यूब कितना, तो कोई बात नहीं, ए क्यूब को तुम क्या करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए तीन बार लिखेंगे, तो उसमें से तुमको अभी ए इंटू ए मतलब ये ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम होगी, ए स्क्वायर कितना है 7, 14, 21, 42,
फिर इसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, ए मतलब ये 1 2 3, तो हमको इस तरीके से क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। तो आया समझ में, इज दैट क्लियर? यस टेल मी नाउ, आ गया समझ में? उसके एग्जांपल बताया, जिन लोगों को कंफ्यूज था उनका कंफ्यूजन अभी दूर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये इसका ऐसा मल्टीप्लीकेशन है। तो ऐसे तुम कहते भी चले जाओ, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होगा, हरे राइट है। चलो अब चलो आगे जाएंगे हम। अब उसके बाद ये 6 प्रॉपर्टीज खत्म हो गए यहाँ पे। अब इसके सम यूजफुल रिजल्ट, सब तो थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है इसको, तो जितना तुमको थ्योरी पॉइंट यहाँ पे समझेगा उसका तुम्हारा यूज एप्लीकेशन तुमको प्रॉब्लम्स में होगा। सब सम यूजफुल रिजल्ट यहाँ पे देखो। पहला रिजल्ट क्या, ओके प्रॉपर्टीज नाउ नाउ ये see some useful results in that one. Some useful results. What are those results here now? Some useful results. उसका पहला result है कि यदि हमको a plus b का if a and b square matrices, तो सबसे पहले हमको ये मालूम है, देखो हमने पहले से देखा वाला है कि अगर से a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, तो छोड़ दो मैट्रिक्स में, समझो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, तो सबको मालूम है एक्सपांशन कैसे लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मगर यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर से दो मैट्रिक्स का ऐसा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका एक्सपांशन कैसे लेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अभी बताया मैंने स्क्वायर निकालना है किसी भी इसका, तो एक मल्टीप्लाई बाय दूसरा, अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन a डॉट a प्लस a डॉट b, b डॉट a प्लस b डॉट b, a डॉट a स्क्वायर, ये कितना मिला ए बी, और ये कितना मिला बी ए, और ये कितना मिला b इंटू बी बी स्क्वायर, ये आएगा एक्सपांशन a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्यों थी, यहाँ पे ab प्लस ba, हम यहाँ पे ab प्लस ba को 2ab नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, ये नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते, क्योंकि अपनी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ab इज नॉट इक्वल टू ba, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हमेशा वो ab इक्वल टू ba इक्वल आएगा ऐसा नहीं, ab इक्वल टू ba रहेगा ऐसा नहीं है, है ना, मतलब ए बी क्यों, तुम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में समझो ए के ऑर्डर तुम्हारे पास 2x2 है और बी के ऑर्डर अगर 3x3 है, तो बोलो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है क्या, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होने की वजह से इसका एक्सपांशन इतना ही आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तुम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या बताना चाह रहा है, मैं तुमको देखो यहाँ पे जैसे कि अभी हमारा, ठीक है देखो अभी समझ लो, अब समझो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला है, तो क्या मिलता है a प्लस बी a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए बी इंटू बी ए जो है ना, यहाँ पे तुमने ए बी लिखेगा या बी ए लिखेगा, दोनों का मीनिंग कैसा रहता है, सेम रहता है, इसके हम यहाँ पे 2ab b² लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर है तो दोनों का 2×3 करेगा या 3×2 करेगा, दोनों के मीनिंग कैसा है, सेम है, इसलिए हम ये दो टर्म को क्या करते हैं, ए बी कंसीडर करके 2 times ab लेते हैं। मगर यहाँ पे प्रॉपर्टी में स्पेशल बोलने वाला है कि ए बी और ये बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव, हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं है, है ना। हाँ रिजल्ट क्या होता था, जब सबके लिए रहता था तो रिजल्ट रहता था कि हाँ ऑलवेज इक्वल, बट कुछ कंडीशन में वो इक्वल नहीं है, इसकी वजह से वो ऑलवेज कॉम्पिटिटिव आएगा नहीं। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होने के कारण हमको एक्सपांशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बोलो अब आया क्या समझ में, क्या बताना चाह रहे हैं आप, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, यस यू कैन मैसेज मी फास्टली, यस व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा मैसेज, क्या बात है, नहीं समझ रहा क्या, आपका मैसेज आना चाहिए, ऑनलाइन का मीनिंग ये रहता है कि अपने में कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन नहीं हो तो फिर हमको कैसे समझेगा,
यस वेरी गुड. देखो मुलं पाहिले ते सगळ्यांनी रिस्पॉन्स दिला पाहिजे. ओके नाही समजा तो नाही बोल के बोलो याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे, आपण स्कॉर समजायचे. तो आय समजून घ्या काय बताना चाहिए आपण. रिपीट करायचं तर रिपीट कर सकते बिकॉज इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. याद रखो जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा मैट्रिक्स में तो उसके प्लेस पे हम ये यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस बी का स्क्वायर. वही तो बता रहा. देखो और क्वेश्चन में समझ आएगा तुम क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर से ये ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मगर आप देखो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे अगर से ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो समझो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स ले लिया 1 2 0 3 1 0 2 3 2 1 ऐसा. तो अब इसका तुम देखेंगे तो ये 2 by 2 है और ये 3 by 3 है. तो मेरे को बोलो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है मगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी रहेगा क्या? नहीं रहेगा. इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑलवेज नहीं रहेगा. ये कॉमोडेटिव नहीं है इसकी वजह से एक्सपांशन तुमको यही रुकना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. हम इसको राउंड अप करके दो टाइम्स ए बी नहीं लिख सकते. समझ में आया क्या? इसको हम राउंड करके ए बी प्लस बी ए दोनों के मीनिंग सेम रहता है क्या इसमें? नहीं. हाँ तो बोता है वही तो बता रहा. समझो अभी देखो चलो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछो तो मुझे समझ में आएगा कि तुम सही में समझ रहे हो. देखो अभी 2 by 2 ये 2 by 2 ठीक है ना? ये कंडीशन में रहेंगे ना इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है. उल्टा करने पे भी वही आएगा मगर ऑलवेज सबके लिए ट्रू है क्या? ऐसा मेंशन करेंगे ना क्वेश्चन में दोनों का ऑर्डर सेम है बोल के. दोनों का ऑर्डर सेम है तो उस टाइम पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. गुड क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन तुमने सही पूछे. अब देखो दोनों का ऑर्डर अगर से सेम है तो उस टाइम पे वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि बोथ ए एंड बी हैव ऑफ सेम ऑर्डर. तो उस टाइम पे तुम क्या करेंगे? ये एक्सपांशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट तुम ये लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे मेंशन करेगा ab इज इक्वल टू ba. क्यों? क्योंकि मेंशन करा दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम ऑर्डर के 2 by 2 2 by 2 या फिर 3 by 3 3 by 3. उस टाइम पे ये पॉसिबल है. इट इज पॉसिबल इफ बोथ ए एंड बी हैव ऑफ सेम ऑर्डर. मगर ऑलवेज रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते. बोलो यस आएगा खुशी. यस वेरी गुड. तो ऐसे कंडीशन है ऑलवेज रहेंगे अपन नहीं बोल सकते. ये अपन जनरल बात कर रहे. अपन अगर सर सबके लिए रहता था तो ये बात ही नहीं करते थे. अपन सगळ्यांसाठी जर राहिला असता तर आपण हे बोललोच नसतो. रिझल्ट सांगितलं असतं ठीक आहे बट नाउ इट इज फॉर स्पेशली फॉर दॅट केस ओनली. तो इसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जब है दोनों के ऑर्डर अगर से डिफरेंट है तो उस टाइम पे ये एक्सपांशन. और अगर से उसने स्पेशल मेंशन करा कि दोनों का ऑर्डर सेम है ए और बी तो तुम डायरेक्ट लिख सकते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. चलो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे जाएंगे. उसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुम निकाल सकते हो. वही आएगा कैसा आएगा? देखो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी अगेन सेम रिजल्ट से ए इंटू ए ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. तो अगेन ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी ए प्लस डबल कैलकुलेट. तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी यहाँ मेंशन करेगा यहाँ पे नहीं खाली इतना बोला है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है. दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक 2 by 2 का एक 3 by 3 का हो सकता. जब मेंशन करेगा दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है यार दोनों का ऑर्डर 3 by 3 है तब इक्वल रहेगा. मगर अभी तो यहाँ पे सेम है. व्हाई? बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू आगे. ओके सो कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वन. प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. प्रॉपर्टीज क्लियर है इसके? देखो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. पहली प्रॉपर्टी क्या थी मल्टीप्लिकेशन में? सबसे पहली प्रॉपर्टी इसका यूज यहाँ पे भी हुआ. फर्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज दैट इट इज नॉट कॉमुटेटिव. नॉट कॉमुटेटिव मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉमुटेटिव मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. फर्स्ट प्रॉपर्टी first property is that AB is not equal to BA. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो स्टेटिव, ए इंटू बी सी करो या फिर बी सी इंटू ए करो, दोनों के मीनिंग सेम है। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, या अगर से कोई मैट्रिक्स ए बाहर है और दोनों का एडिशन है तो दोनों को बांट के दे सकते, या फिर वो मैट्रिक्स राइट से है तो तभी बांट के दे सकते, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी देखे हमने कि कोई मैट्रिक्स को अगर से आई से मल्टीप्लाई करे या फिर आई से किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगी, उसका नाम था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी में हमने देखे कि कोई मैट्रिक्स में जीरो ऐड करे, जीरो से मल्टीप्लिकेशन करे या फिर जीरो से कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे तो जीरो मिलेगा। सिक्स प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट थी उसमें हमने क्या देखे कि कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है मगर दोनों मैट्रिक्स कैसे नॉन जीरो है, तब भी उनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। और उसके बाद सम यूजफुल रिजल्ट्स में ये पहला रिजल्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से आएगा, क्यों, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। और अगर से क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ही करता है कि दोनों का ऑर्डर अगर से 2/2 है या फिर 3/3 है तो उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। और फिर आगे फिर समझेंगे तो हम आगे चलेंगे, फिर समझ में आगे सबकी, इज दैट क्लियर थ्री पार्ट, वेरी गुड, थ्री पार्ट समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम आगे की तरफ जाएंगे क्वेश्चन पार्ट की तरफ। अच्छा लास्ट एक्सरसाइज आप देखो ये चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, इसको मल्टीप्लिकेशन लेने आता वो कोई एक्सरसाइज घर पे भी सॉल्व कर सकता खुद से, इसको मल्टीप्लिकेशन के रूल समझ में आ गया कि हाउ टू टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट, what is evaluate, we like 3, 2, 1 or 2 minus 4, 3 इसके लिए निकालेगा। देखो जितना मैंने तुमको डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स किया बोर्ड का, अब तुम किसी के पास अगर से सीबीएसई की बुक होंगी तो खोल के देख सकता पूरा ओपन करके, इसमें तुमको दोनों में 80 से लेके 90% दोनों में सेम दिखना है तुमको। और अब तुम उसके प्रॉब्लम सीबीएसई के प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हो, एक बार बेसिक कंसेप्ट सॉल्व में आएगा कोई भी चैप्टर का तो उसका बेस तुमको हर इसमें फाइल यूज होगा, अब तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो जो क्वेश्चन उठा तुम उसमें मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट मैट्रिक्स सीबीएसई में से 100% गारंटी तुम उसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते अगर से तुमको ये अच्छे से आया होगा तो इसलिए उसको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में अपने पास मैथमेटिक्स में 80-85% बोलेंगे तो भी चलेगा, सीबीएसई का और अपने स्टेट बोर्ड का सिलेबस दोनों का सेम है, स्टेट बोर्ड का 80-85% दोनों का सिलेबस सेम। और अगर से तुमको एक्स्ट्रा करना है तो तुम सीबीएसई के बुक्स लेके भी सॉल्व कर सकते, मगर पहले बोर्ड का अच्छे से देख लो स्टेट बोर्ड का, फिर तुम सीबीएसई क्वेश्चन सॉल्व करो, 100% तुमको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, जो नहीं आएगा वो तुम बोर्ड ग्रुप पे डालो या फिर पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे पूछो तुमको सॉल्व करके बता, वेरी सिंपल वन। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जो तुम स्टेट बोर्ड होने के बाद नहीं कर सकते, एकदम सिंपल, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है 80-85%। व्हाट फॉर जेई, मतलब अनुज व्हाट फॉर जेई, मतलब जेई के लिए क्योंकि जेई के दो सिलेबस दोनों का सेम है, जितने बिट्स इसमें देखो अभी ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल दो, जेई और सीटी दोनों सेम है, दोनों का लेवल भी सेम है, ये बात याद रखो, पहले था जेई अलग था सीट अलग था, जेई के बुक्स तो बोलेंगे तुमको अभी क्या शुरू हुआ, जेई के बुक्स के लिए तुमको स्टैंडर्ड बोलेंगे, अपन जो जनरली बुक्स यूज करते हैं उसमें सबसे पहला है आरडी शर्मा का बुक्स यूज करते हैं, सबसे स्टैंडर्ड बुक है आरडी शर्मा, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे मोटे एरोलेस वगैरह यूज करते हैं, एरोलेस है उसका है जब भी तुम मल्टीप्लीकेशन करें यहाँ पे सॉल्व करो बता 3, 2, 1 देन 2 माइनस 4 एंड देन 3, व्हाट इज इंपॉर्टेंट वन
While doing the multiplication, first we observe तीन step बताया था, पहले बताओ इसका order, order क्या था? एक column है और तीन rows और एक column, three rows and one column, three by one. इसका बोलो, एक ही row है और तीन column है, एक row और तीन column. तो multiplication possible है? Yes. क्यों possible है? Number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix. दोनों कैसे हैं? Equal. Number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix. दोनों equal है. Multiplication possible है. और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? Multiplication लेने के बाद जो matrix आएगा उसका order क्या रहेगा? 100%. ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के order कितना रहेगा? 3/3 आना चाहिए. उस तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे. तो कैसा मल्टीप्लीकेशन आएगा देखो. फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, पूरे एलिमेंट्स के साथ, सेकंड का पूरे के साथ, और ये थर्ड का पूरे के साथ. क्यों? तो ये आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 3/3. तो मल्टीप्लीकेशन कैसे लेंगे देखो, इसका एकदम सिंपल. 3 का मल्टीप्लीकेशन पहले कॉलम के साथ, then 3 multiply with minus 4 and then 3 multiply with 3. है ना? First row, first column, first row, second column, first row, third column. रूल तो सबको मालूम है. First row का multiplication पहले कॉलम के साथ, first row का multiplication दूसरे कॉलम के साथ, first row का multiplication तीसरे कॉलम के साथ. Right? अगला. अब second row क्या? Second row का multiplication पहले कॉलम के साथ, second row का multiplication दूसरे कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम के साथ. लास्ट वन, थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, और थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम के साथ. ऐसे करने से आंसर आ गया 6 - 12 - 9 - 4 - 8 - 6 - 2 - 4 एंड देन 3. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? इट इज नथिंग बट 3/3. वही बताया मैंने कि ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज के इक्वल है. 100% जो आंसर की जो अपना जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की रहेगी? 3/3. ये दोनों को छोड़ के क्या रहेगा? 2/3. बोलो आया समझ? यस इज दैट क्लियर? बोलो आ गया. अब देखो इसका उल्टा, देखो देखो अभी गड़बड़ मत करो, देखो अब समझो कभी उल्टा आ गया. दूसरे क्वेश्चन का उल्टा, उल्टा है मतलब कैसा है? मिटा देंगे आप. दूसरा क्वेश्चन याद है देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा? उल्टा पूछा. पहले रो मैट्रिक्स से, पहले रो मैट्रिक्स से और फिर कॉलम मैट्रिक्स. अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे क्या हम. टू माइनस वन थ्री फोर थ्री वन. सबसे पहले क्या बताया मैंने? ऑर्डर, ऑर्डर चेक करो. एक रो है, ओनली वन रो, ओनली वन रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स? थ्री कॉलम्स. 1/3, वन रो तीन कॉलम. यस. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? देयर आर वन कॉलम एंड थ्री रोज, तो थ्री रोज और वन कॉलम. So first order, number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix. They are equal. They are equal. इसका मतलब multiplication possible. अब important क्या है? Multiplication possible है. तो आने वाली matrix का order कितना है बोलो? ये दोनों को छोड़ के कितना रहेगा? 1/1. 1/1 मतलब सिर्फ एक ही element आएगा, जो भी आएगा. तो देखो अभी कैसा? एक ही element आएगा मतलब कैसा है? कि एक ही row है और ये एक ही column है. तो कैसा multiply करेंगे? 2 × 4 प्लस सेकंड का सेकंड के साथ, माइनस 1 × 3 प्लस थर्ड का थर्ड के साथ, 3 × 1. सॉल्व करने के बाद कितना है? 4 × 8 - 3 + 3. आंसर कितना है? खाली 8. माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 8. इसका ऑर्डर कितना है? 1/1. ठीक है, समझा क्या? है ना? रूल क्या बोलता? यहाँ पे एक रो है तो एक रो का मल्टीप्लीकेशन एक कॉलम के साथ, एक ही का सिंगल सिंगल, 2 का 4 के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ. यस क्लियर? आया समझ? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 इन दैट वन.
आप तो क्या तुम इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और इम्पोर्टेंट थिंग क्या यह है कि अभी चैप्टर खत्म हो गया, पहला खत्म होने पे तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए बहुत से बच्चों के, रजिस्ट्रेशन कर लो। अब उसके बाद अपन सॉफ्टवेयर के थ्रू लेने वाले हैं, पासवर्ड और आईडी देंगे। अभी तक स्टार्टिंग में नए नए बच्चे थे इसके अपन ने नहीं लिए, तो जल्दी से अगर से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया फीस भर के तो फिर अपन जल्दी से उसका शुरू करेंगे प्रोसीजर, ठीक है। तो पे द फीस फास्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट क्वेश्चन नंबर टू, 1 मिनट चार्जिंग समथिंग। So in question number 2, it is asked here, if A is equal to, if matrix A is equal to 1 minus 3, 4, 2, comma B is equal to, matrix something like to be 4, 1, 3 minus 2. Question is show that AB not equal to